हे गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्रिएट करेंगे गेस्ट मेहंदी लुक, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले रोज वाटर से हम अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। आप चाहें तो आप क्लींजिंग मिल्क का भी यूज कर सकते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए। एंड आपके लिप्स को आपको अच्छे से क्लीन करना है ताकि इसमें अगर कोई डेड स्किन हो तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। आपको आपकी चॉइस का कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेके अपने फेस पे अप्लाई करना है। इन विंटर के सीजन में ध्यान रखें कि मॉइस्चराइजर जरूर से मेकअप करने के पहले अपने फेस पे अप्लाई कर लें। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लेके अपने फेस पे अच्छे तरीके से इसे अप्लाई करूंगी। तो फाउंडेशन को आपको पूरे फेस पे इस तरीके से लगा के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ऑलवेज यूज फाउंडेशन एज पर योर स्किन टोन। तो अब एक डैम ब्लेंडर की मदद से अपने फाउंडेशन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फाउंडेशन को एकदम अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे फेस पे कहीं भी अनइवन ना दिखे। आफ्टर फाउंडेशन हम अपने फेस पे थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करेंगे। तो आईज के नीचे डार्क सर्कल वाले एरिया में एंड अगर आपके फेस पे कहीं भी थोड़े बहुत कुछ दाग वगैरह हैं वहाँ पे हम कंसीलर का यूज़ करेंगे उसे हाइड करने के लिए। एंड उसके बाद वेट ब्लेंडर की मदद से इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एंड नाउ वी विल अप्लाई कॉम्पैक्ट ऑन आवर फेस। कॉम्पैक्ट हमेशा अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही चूज़ करें। एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज आई मेकअप। तो यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आँखों के इनर कॉर्नर पे डार्क ग्रीन कलर को अप्लाई करूँगी। कैमरे पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था इसलिए मैं अपने आई शेडो के मिरर में देख के इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं जो लाइट ग्रीन कलर वाला आई शेडो है उसे लेके रिमेनिंग आई के पार्ट में अच्छे तरीके से इसे अप्लाई करूँगी। तो मेकअप रेवोल्यूशन का जो आई शेडो है ये काफ़ी अच्छा है, इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। एंड आँखों के एंड के कॉर्नर में मैं ये जो गोल्डन वाला कलर है उसे लेके इस तरीके से हल्का हल्का यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। आई शेडो लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दो कलर के आई शेडो यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि एकदम एक दूसरे में मिक्स दिखे, एकदम अलग सा लुक ना दिखाई दे इसमें। अब आईज़ के नीचे जो आई शेडो स्प्रेड हो गया है उसे कॉटन की मदद से अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए ताकि वो अलग सा ना दिखाई दे। आफ्टर दिस आई विल अप्लाई मेबेलिन आईलाइनर। आईलाइनर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पतला या मोटा कैसे भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे एकदम पतला सा लाइनर ही लगाया है। सो आफ्टर दिस वी विल अप्लाई मस्कारा। तो यहाँ पे मैं मेबेलिन का मस्कारा इस तरीके से अपने आई लैशेज पे हल्का हल्का अप्लाई कर लूँगी। इवन इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज आर्टिफिशियल आई लैशेज। आई मेकअप इज इनकम्प्लीट विदाउट द काजल। मुझे काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आँखों में अच्छे तरीके से काजल लगा लेंगे। तो आप अपनी चॉइस का काजल यूज़ कर सकते हैं। हेयर आई एम यूजिंग लैक्मे आइकॉनिक ब्लैक काजल। एंड नाउ आई एम यूजिंग पेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट। इसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे ये जो ब्राउन वाला कलर है इसे हल्का हल्का सा ब्रश में लेके इससे आईब्रो को अच्छे तरीके से शेप दे देंगे। इससे आईब्रो का जो शेप है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आईब्रो पेंसिल की जगह आई सजेस्ट कि ये अगर आप ब्रो किट को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव दिखेगा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई आई मेकअप। आफ्टर दैट इट्स टाइम फॉर द कॉन्ट्यूरिंग। तो यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्यूरिंग यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैं हल्का हल्का सा ब्रश में लेके अपने फेस पे कॉन्ट्यूर कर लूँगी। आप चाहें तो कॉन्ट्यूर का जो स्टिक आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्यूरिंग करने के लिए। आफ्टर दैट इट्स टाइम फॉर द हाईलाइटर। तो यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। उसमें काफ़ी अच्छे हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे शेड्स दिए हुए हैं। तो ब्रश में एकदम थोड़ा सा हाइलाइटर का पोर्शन लेके आपको अपने फेस पे इस तरीके से हाईलाइट करना है। एंड दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट, ब्लश। तो यहाँ पे मैं अपने ब्रश में हल्का हल्का सा ब्रश लेके इस तरीके से स्माइल करते हुए अपने चीक्स पे ब्लश को अप्लाई कर लूँगी। एंड नाउ आई विल ड्रॉ अ लाइन यूजिंग अ लिप पेंसिल। एंड यहाँ पे मैं शुगर का पिंक शेड का लिपस्टिक अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। सो माय मेकअप इज़ फाइनली डन। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की बिंदी लगाई क्योंकि मेरे पास मैचिंग ग्रीन कलर की बिंदी नहीं थी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर दी हेयर स्टाइल। तो मैंने बस यहाँ पे बालों को बीच से पार्टीशन किया है, आगे की तरफ थोड़े से बाल छोड़े हैं, पीछे के जो बाल हैं उन्हें थोड़े थोड़े से बालों को लेके हाथों में इस तरीके से लेके टिक टैक पिन की मदद से इसे पीछे थोड़ा सा पफ बनाते हुए सिक्योर कर लिया है। तो बस इसी तरीके से दूसरे साइड के बालों को भी आगे से छोड़ते हुए बाकी के आधे बालों को हाथों में लेके इस तरीके से पफ बनाते हुए पीछे की तरफ सिक्योर कर लेंगे।
सो दैट्स इट, माय हेयर स्टाइल इज डन। चलो मैं फटाफट से अपना ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहनी है ग्रीन कुर्ती, इसके साथ में मैं अपने गोल्डन पिक स्टेटमेंट इयररिंग्स को पहन रही हूँ। तो जब भी आपको नेकलेस नहीं पहनना है तो आप बड़े से पिक स्टेटमेंट इयररिंग पहन लीजिए, इन नेकलेस को आप इस तरीके से स्किप कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस बार बैंगल को स्किप करके अपना ये गोल्डन कलर का स्टोन वाला ब्रेसलेट पहना है। दिस इज़ माई फेवरेट गोल्डन सैंड। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की कुर्ती के साथ में अपने सॉलिड गोल्डन कलर के स्कर्ट को पेयर किया है। ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है एंड मेहंदी फंक्शन के लिए दिस इज़ द परफेक्ट कुर्ती। लुक को और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल बनाने के लिए यहाँ मैं अपना गोल्डन कलर का एक बेल्ट इस कुर्ती में इस तरीके से ट्राई कर लूँगी। एंड देन मैंने इसके साथ लिया है यहाँ पे अपना फेवरेट गोल्डन दुपट्टा। सो दिस इज़ माई फाइनल मेहंदी फंक्शन लुक। तो इस तरीके के लुक को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव किसी की भी मेहंदी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, एथनिक एंड एलिगेंट सा लुक है। सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक फॉर द मेहंदी फंक्शन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके के लुक को आप अपने घर में किसी का मेहंदी का फंक्शन है, आपकी बेस्ट फ्रेंड, कजिन, ब्रदर एंड सिस्टर के मेहंदी के फंक्शन है, वहाँ पे आप इस तरीके के लुक को कैरी कर सकते हैं। कुर्ता बहुत ब्यूटीफुल है एंड इसका जो कलर है इट्स परफेक्टली मैचिंग विद द मेहंदी फंक्शन। तो ये कुर्ता बहुत प्यारा है, इसका कपड़ा बहुत सुंदर है। मेकअप एंड लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो विल सून मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे स्टाइलिश विद जो। बाय बाय, टेक केयर।